राजधानी रायपुर में गृह मंत्री विजय शर्मा का सूरजपुर की घटना को लेकर बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि न्याय के आधार पर सजा होगी, आरोपी भाग नहीं सकता है, अपराधी ने जो किया वह जघन्य अपराध है। उन्होंने कहा कि कल कुछ लोगों की उग्रता के कारण बड़ी दुर्घटना होने वाली थी, उसे पुलिस ने रोक लिया है। अपराधी के परिजनों और परिवारजनों की रक्षा पुलिस के द्वारा की गई है। पुलिस ने सारे स्थितियों को नियंत्रित कर लिया है। स्थानीय परिस्थितियां क्या कहती हैं समझने का विषय है, जो हुआ वह गलत हुआ। वहीं दीपक बैज ने इस्तीफे की मांग पर गृह मंत्री ने कहा कि मेहनत के साथ काम करना है, अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री का है, वह जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। मैंने उसके सोशल मीडिया हैंडल पर जो कुछ दिखा है उस विषय पर बताया गया है, और मैंने भी देखा जब मीडिया पर आज समाचार पत्रों पर तब का विषय है, सोशल मीडिया हैंडल पर उनके है वो जो अपराधी है उसके इस पर, खैर वो कहाँ का है इसका कोई फर्क नहीं है भाई। मसला ये है कि उसने जो किया है वो जघन्य अपराध है, न्यायालय के आधार पर सजा होगी ही होगी, भाग नहीं सकता, पकड़ा ही जाएगा। ये अच्छा हुआ कि कल कुछ लोगों की उग्रता के कारण जो दुर्घटना होने वाली थी उसे अपराधी के परिवारजनों की रक्षा पुलिस के माध्यम से हुई है, और घर पर भी जो आगजनी की बात है तो घर नहीं जला है, पिछवाड़ा थोड़ा सा जो हिस्सा था उस पर यह विषय आया, परंतु सब कुछ नियंत्रित कर लिया गया है। पुलिस ने सारे भी स्थितियों को नियंत्रित करते हुए अब उसकी खोज की जा रही है और वो मिलेगा। मैं अपील करता हूँ, विनम्रतापूर्वक अपील करता हूँ कि कोई ऐसा कुछ ना करें। हर एक विषय पर अभी तक पुलिस की सारी कार्यवाहियाँ, हर एक विषय पर पुलिस को सफलताएं मिली हैं, पुलिस ने स्थितियों को बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट किया है। यह भी होगा, इससे पहले रामपुर जो बलरामपुर का विषय था वह भी स्पष्ट हुआ है, लोहारीडी के पहली हत्या, दूसरी हत्या, सब कुछ सारे मामले स्पष्ट हुए हैं, और यह भी मामला बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाएगा।